Dear students, after discussion on the equivalent scales, after discussion on the data, after discussion on computation techniques, हमने ये भी डिस्कस किया कि जब कंप्यूट करना है तो इनकम को यूज़ करना है या कंजम्पशन को यूज़ करना है. तो कुछ कंट्रीज इनकम को यूज़ करते हैं, कुछ कंजम्पशन को यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों के कुछ बेनिफिट हैं जो आपको वो ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन देती है. दोनों में कुछ थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से हम उन पर रिलाई नहीं कर सकते. जिस तरह हम इनकम जब भी यूज़ करते हैं तो इनकम जो है ईजीली हम उसको मेजर कर सकते हैं, और आपको इनकम पे डेटा कलेक्ट करने के लिए कास्ट कंपैरेटिवली काम आते हैं, क्योंकि इनकम पे चंद एक आपके सोर्सेज होंगे जिनसे आप इन्फॉर्मेशन लेके तो सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन जिस वक्त हम कंजम्पशन पे जाते हैं तो कंजम्पशन में फूड पे आपको एक कम्प्रीहेंसिव लिस्ट चाहिए होती है, और उसके बाद फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम मेंशन नहीं कर पाते अपने क्वेश्चनर में. इसी तरह जिस वक्त हम ड्यूरेबल गुड्स में जाते हैं तो उनको मेजर करना भी थोड़ी सी टफ जॉब होती है, क्योंकि कुछ ड्यूरेबल ऐसी होती हैं कि आप साल के एक महीने पे उन पे कंजम्पशन करते हैं, आगे पूरे आपके 11 मंथ उनकी कंजम्पशन नहीं होती. एकदम से आपका कोई सोशल इवेंट आ गया है, आपका कंजम्पशन हाई हो गया, जो ही वो इवेंट ख़त्म हुआ कंजम्पशन अगेन डाउन हो गया. तो उसको हमने उस साइकिल को कैसे ऑब्जर्व करना है, उस साइकिल को कैसे मेजर करना है, उसको एनालिसिस में कैसे यूज़ करना है, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ जॉब होती है. लेकिन इनकम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पूरी दुनिया में इनकम मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर रिपोर्ट की जाती है. ठीक, जब अंडर रिपोर्ट की जाती है तो उसकी वजह से जो इसके स्टेटिस्टिक्स हैं वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देते, सिग्निफिकेंट उनकी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती. इनकम की बेस पे हम कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इन डिवेलपिंग कंट्रीज जहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा होता है, फॉर्मल सेक्टर कम होता है. इवन पाकिस्तान का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है उस पर भी स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान में 76% इनफॉर्मल सेक्टर है, कि 76% ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही. ओनली 24% एक्टिविटीज़ आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, जिसको हम फॉर्मल सेक्टर कह सकते हैं. गवर्नमेंट इसके लिए फाइलिंग सिस्टम और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और FPR को एक्टिव कर रही है, लेकिन और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को डॉक्यूमेंट करें. जितनी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी उतना टैक्स की अमाउंट भी ज़्यादा होगी. जिस वक्त लोग अपने बिजनेस का एंटरप्राइजेस का टैक्स देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो ट्रिकल डाउन होता है कि जो गरीब लोगों पे टैक्स है उसकी अमाउंट कम करके एंटरप्राइज से टैक्स ज़्यादा लेंगे. अभी एंटरप्राइज टैक्स नहीं देते, गरीब से टैक्स लिया जाता है. इसके लिए जिस ये डिफ्रेंसिस जो हैं ये काफ़ी हद तक काम हो जाएंगे. इसलिए इसको अंडर जब एस्टिमेट किया जाता है ये प्रॉब्लम, देन इनकम में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आती हैं. उन फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करना भी टफ जॉब होती है कि एकदम आपको बोनस मिला, आपकी इनकम हाई हो गई, लेकिन आपकी परमानेंट इनकम हाई नहीं हुई. आपने एकदम कहीं सेविंग करनी है या डिस सेविंग की वजह से आपकी इनकम का पैटर्न सारा डिस्टर्ब हो सकता है. ठीक है, इसी तरह आपकी इनकम में कोई स्लो डाउन की वजह से कोई कट लग सकता है, गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी की वजह से, गवर्नमेंट के किसी टैक्स एकदम से बढ़ाने की वजह से या सब्सिडी देने की वजह से इनकम में इजाफा और कमी भी हो सकती है, जिसको अगेन ऑब्जर्व करना थोड़ा सा टफ जॉब होता है. फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनकम के कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं, हिडन वो पोर्शंस होते हैं जिनको मेजर करना बहुत टफ जॉब होती है. लाइक कुछ लोग एक कम इनकम पे गुजारा कर रहे हैं, क्यों, उनसे पूछा जाए कि इतनी कम इनकम पे गुजारा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जितनी मुझे रिस्पेक्ट मिलती है इतनी रिस्पेक्ट और कहीं से नहीं मिल सकती. अब उस रिस्पेक्ट को, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को वो अपने पास एडजस्ट करके वहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू है कितनी, नो वन कैन ऑब्जर्व. आप कहीं जॉब करते हैं और आपको वो जॉब के साथ पे के साथ थोड़ी सी पे के साथ सुबह नाश्ता और दिन को खाना वो फ्री दे रहे हैं, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते. आप जॉब कर रहे हैं, पे आपकी कम है, लेकिन उसने आपको रेजिडेंस साथ दी हुई है और ट्रांसपोर्टेशन भी आपको दी हुई है, आप उसकी कॉस्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इसलिए ये सारे, या आपको कोई साल में एक ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, वो ट्रेनिंग 100,000 रुपीज़ की आती है, तो उससे आपको जो बेनिफिट होता है. इसलिए बहुत सारी चीज़ें इनकम में ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते,
सेकेंडली एक और इशू आता है कि इनकम का वेलफेयर के साथ एक कंफ्यूजिंग टर्म होती है कि कुछ लोग अज्यूम करते हैं कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी वेलफेयर भी अच्छी होगी, जिसकी इनकम कम होगी उसकी वेलफेयर भी कम होगी, लेकिन ये हाइपोथेसिस फेल हो चुके हैं। दुनिया इस चीज़ पे बिलीव करती है कि अगर एक बंदे की इनकम ज़्यादा है और साथ अवेयरनेस नहीं है तो उसका वेलफेयर का नंबर बहुत लो होगा, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि जिनकी इनकम बहुत कम है उनका वेलफेयर कम नहीं हो सकता। हो सकता है इनकम कम है लेकिन अवेयरनेस बहुत अच्छी है उसको, वो बच्चों पे अच्छी इन्वेस्ट करता है तो उसका वेलफेयर का नंबर बहुत अच्छा हो सकता है, उसको प्रॉपर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। इसलिए इनकम में कुछ आपको बेनिफिट्स भी हैं कि इनकम को एज अ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ हमें कुछ थ्रेट्स भी आते हैं। सेम इज़ द केस ऑफ कंजम्पशन कि जब हम कंजम्पशन को लेते हैं तो कंजम्पशन के लिए सबसे पहला होता है कंजम्पशन को बहुत ईजीली कोई भी इंडिविजुअल रिकॉल कर सकता है। किसी भी इंडिविजुअल से पूछे ना आपकी कंजम्पशन तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा कि इतना मैं शुगर पे लगाता हूँ, इतना मैं मीट पे लगाता हूँ, इतना मैं मिल्क पे लगाता हूँ, इतना मैं चाय पे लगाता हूँ, इतना वो जितना आपकी वो एलिमेंट्स होते हैं घर के जो कंजम्पशन का पैटर्न होता है वो सारा क्लियर कट आपके साथ वो शेयर कर देगा। देन आपको जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस चीज़ से मेजर होती है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कभी नहीं होता जो आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम बहुत हाई है और सारी की सारी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं हो सकता, वेलफेयर बेहतर नहीं हो सकती। उसके लिए आप लोगों ने ये करना होता है कि आपके पास कंजम्पशन कितनी है। इसलिए अगर इनकम बहुत हाई है कंजम्पशन बहुत लो है तो उससे आप कभी भी नहीं गेज कर सकते कि हाई इनकम से वेलफेयर ज़्यादा हुई है। तो इसलिए आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उसे हम देन देर आर लेस अंडरस्टेटेड देन इनकम के। जब हम अभी टॉक कर रहे थे कि इनकम को अंडर स्टेट करेंगे, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, कंजम्पशन के लिए उनके माइंड में किसी किस्म का कोई फोबिया नहीं होगा, माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, माइंड में कोई अजीबोगरीब चीज़ नहीं आएगी कि अगर मैंने प्रॉपर इनकम शेयर कर दी तो उससे मुझे कोई उससे लॉस होगा। देन देर आर हाउस होल्ड मे नॉट एबल टू स्मूथ कंजम्पशन। यस, कंजम्पशन मोस्ट ऑफ द टाइम स्मूथ नहीं होती। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, सोशल इवेंट आया, कंजम्पशन हाई हो गई, इवेंट खत्म हुआ, कंजम्पशन डाउन हो गई, रमज़ान आया, कंजम्पशन चेंज हो गई, ईद आई, कंजम्पशन चेंज हो गई, ईद के बाद अगेन कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। इस तरह शादी आई, कंजम्पशन चेंज हो गई, शादी का इवेंट खत्म हुआ, कंजम्पशन फिर चेंज। अब जितने उसमें फ्लक्चुएशंस हैं इनको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा टफ होता है। देन कंजम्पशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिसलीड करती है, आपकी कंजम्पशन बहुत अच्छी है, अज्यूम ये किया जाता है कि वेलफेयर अच्छी है, लेकिन कंजम्पशन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों पे लग रही है जिससे उसकी वेलफेयर में या रियल चेंज में या अच्छी हेल्थ में या अच्छी एजुकेशन में या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में रोल प्ले ना कर रही हो, कुछ ऐसी चीज़ों पे वो लगाए जा रहा हो। लेकिन हमारे पास कंजम्पशन का नंबर ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं होगा कि उसकी वेलफेयर अच्छी है, उसको थोड़ा सा वो हमें कभी कभी मिसलीड कर सकती है। देन सम एक्सपेंसेस आर नॉट अकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जिस तरह अभी बात कर रहे थे शादी का इवेंट है, दिस इज नॉट अ रेगुलर कंजम्पशन आर द पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन बंडल। कोई रिलीजियस इवेंट आ गया तो वो सीजनल होगा, वो साइक्लिकल होगा, वो आपका रेगुलर कंजम्पशन का पैटर्न में इंक्लूड कंजम्पशन बंडल में शामिल नहीं होगा। एकदम से आपके घर में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, आपने बहुत सारे गेस्ट को बुला लिया, आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया, बट दिस इज नॉट द रेगुलर पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन। तो इसलिए इन दोनों में कुछ कन्फ्यूजन है और इसीलिए वो कहते हैं कि जिस वक्त हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्री के लिए कंजम्पशन को मेजर करना बहुत आसान होता है, उसकी बेस पे हम करें, एंड डेवलप कंट्री में इनकम को मेजर करना बहुत आसान होता है क्योंकि डेवलप कंट्री में कंजम्पशन बड़ी ट्रिकी होती है, बट इन डेवलपिंग कंट्री इनकम बहुत ट्रिकी होती है। सो इन दोनों से बचने के लिए हम डेवलपिंग कंट्री में कंजम्पशन एंड डेवलप कंट्री में इनकम को यूज़ कर सकते हैं।